हेलो, आपसे जानना चाहेंगे कल का जो टास्क हो, नॉमिनेशन टास्क हो, वहाँ पर आपको ईशा कितनी फेयर और कितनी अनफेयर लगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईशा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो जिस हिसाब से गेम में चल रही हैं वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और बिग बॉस ने जो उन्हें घर का कैप्टन बना दिया है ये तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रहा है। अनडिजर्विंग इंसान को उन्होंने कैप्टन बना दिया है क्योंकि उनसे बेटर तो मुनव्वर कैप्टनसी में थे। उनका कैप्टन बनना ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा था। जब से ईशा बनी है वो सिर्फ अनफेयर डिसीजन ले रही हैं लोगों को लेकर। उन्होंने ऐश्वर्य के साथ भी गलत ही किया, जो कि रूल ब्रेक के हिसाब से अनुराग को बाहर जाना चाहिए था, पर उन्होंने ऐश्वर्या को बाहर करके बहुत ही बुरा गेम खेला है। और अब जो कल नॉमिनेशन था उसमें भी फोन फर्स्ट तो अभिषेक ने टच किया था, उठाया भी था, लेकिन उन्होंने समर्थ का नाम लेके पूरा बेकार कर दिया एकदम, कि एकदम अनफेयर उन्होंने कर दिया अभिषेक के साथ बेचारे को। घर वालों ने भी उन्हें काफ़ी समझाया लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है, वो सिर्फ अपने जो रिश्ते हैं उनके उस पर खेल रही हैं वो। ओके, तो अभिषेक ने जो भी उनके लिए रवैया किया, काफ़ी अग्रेशन में आ गए, गुस्से में आ गए, रो भी रहे थे, उनसे फिर आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ऑब्वियसली कोई बंदा हर्ट होगा तो उसे रोना आएगा ही, क्योंकि वो जब सही होता है और जब ऐसा हो जाता है, कभी कभी आप सही हो लेकिन सामने वाला आपको नहीं समझता है तो आपके इमोशंस तो बाहर आते ही हैं। ओके, तो ईशा आपको और इस टाइम कितनी, क्या आपको लग रहा है कि वो अभिषेक की टोटली अगेंस्ट होगी, उनसे बदला लेने की कोशिश करी, कैप्टन बन गई है तो? हाँ बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं क्योंकि ईशा के अंदर एक ईगो आ गया है कि मैं पॉपुलर हूँ तेरे से ज़्यादा, मैं अपने दम पे हुई हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं अभिषेक का भी हाथ है ईशा को इतना पॉपुलर करने में, और ईशा अब उनके साथ बदला ले रही है तो ईशा बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। तो कि इसके बाद ईशा कैप्टन बन सकती, क्या उन्हें सब सपोर्ट करें, क्योंकि उनकी उनकी अंकिता से भी उतनी कुछ खास बन नहीं रही, उनसे भी उनका बहस हो गया था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब ईशा को कोई सपोर्ट करेगा कैप्टन बनने के लिए, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करती, एक अनडिजर्विंग पर्सन है वो। बिग बॉस के घर में हमने हाल ही में जो नॉमिनेशन का टास्क देखा था, वहाँ पर ईशा अनफेयर तो नज़र आई, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से समर्थ की साइड ले, उन्हें मौका मिल गया, वो नॉमिनेट कर दिए रिंकू को और अभिषेक को नहीं मिला। इस टाइम ईशा घर में सबको ही अनफेयर लग रही थी, चाहे वो ऐश्वर्या को घर से बाहर निकालना हो वो चाहती थी, तो अगर वो उनका अगर फैसला सही होता तो अनुराग को निकाल सकती, क्योंकि अनुराग ने बहुत ज़्यादा रूल ब्रेक किया था, अंकिता ने रूल ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐश्वर्या को टारगेट कर दिया था। अब नॉमिनेशन के भी टास्क में कुछ ऐसा ही दिखा, जहाँ पर बिग बॉस ने टास्क दिया था कि जो टेलीफोन को पहले टच करेगा उसे मौका मिलेगा कि वो किसी एक इंसान को नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सभी घर वाले काफ़ी जल्दीबाजी में थे, पहुँचने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर अभिषेक और समर्थ आगे पीछे थे। अभिषेक पहले जाके फ़ोन को टच कर देते हैं और समर्थ बाद में टच करते हैं, लेकिन यहाँ पर ईशा ये फैसला सुनाती है कि अभिषेक ने फोन को नहीं पहले टच किया, समर्थ ने टच किया, जिस वजह से उसे मौका मिलना चाहिए नॉमिनेट करने के लिए, और समर्थ नॉमिनेट भी कर देते हैं रिंकू को। लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर अभिषेक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो काफ़ी सैड भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो रोने भी लगते हैं। और अभिषेक का ये जो रवैया था पूरी तरह से सही था, क्योंकि वो अपनी जगह सही थे, ईशा यहाँ पर गलत थी, और ईशा इन सब में अभिषेक को सपोर्ट उन्हें जाके समझा भी सकती थी कि मुझे कुछ ऐसा लगा, लेकिन उल्टा वो जाके अभिषेक को ही नॉमिनेट कर दी। अब ऐसे में जो भी ईशा ने किया पूरी तरह से गलत था, उन्हें कहीं ना कहीं जो उन्हें अगर कैप्टन बनाया गया तो उन्हें फैसला सही लेना चाहिए, लेकिन ईशा कैप्टन जो बनी उस पर खरी नहीं उतर पा रही हैं। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे कल टास्क हुआ था नॉमिनेशन का, जिसमें टेलीफोन टास्क था, अभिषेक पहले जाके टेलीफोन का टच करते, लेकिन ईशा ये कह देती कि समर्थ ने टच किया था, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? बिग बॉस में तो हमेशा जो भी कंटेस्टेंट होते हैं कैमरे के लिए ही हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मुझे लगता है शायद एपिसोड में ज़्यादा दिखने के लिए इस तरीके से लोग कर रहे होंगे। तो ईशा ने जो किया, मतलब कि समर्थ को चांस दे दिया, अभिषेक को नहीं दिया, क्या सही किया या गलत किया? अब ईशा के हाथ में पावर है तो वो कुछ भी करेगी, जैसे कि उसने ऐश्वर्या को बाहर निकाल दिया क्योंकि वो उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त रही है, लेकिन एक्चुअल में उसने दोस्ती निभाई तो नहीं। वैसे ही समर और अभिषेक के साथ भी है, क्योंकि अभी समर उसका बॉयफ्रेंड भी है, तो हो सकता है इस वजह से वो उसको ज़्यादा ही मतलब फेवर दे रही होगी, ऐसा हो सकता है।
अभिषेक के साथ भी गलत हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईशा के अपने पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के साथ गलत गलत करे, सबके साथ एक जैसा देखना चाहिए। ईशा ने जो नॉमिनेट किया है मतलब जिन जिन को उनके साथ उसको नहीं, मतलब इस तरीके से बिहेवियर नहीं करना चाहिए,